दोस्तों, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए फाइनली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिनमें उसने एक बार फिर से सभी को चौंकाते हुए इस सीरीज के लिए सभी युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो वही सीनियर खिलाड़ियों के लिए इस से एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए हम सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का आरंभ कब से होने जा रहा है और भारत के किन किन खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज में खेलने का मौका दिया गया है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम अभी इस समय साउथ अफ्रीका में खेली जा रही 2 T20 की सीरीज खेलने में व्यस्त है, लेकिन इसी बीच BCCI ने अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली 3 T20 की सीरीज के लिए फाइनली 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें BCCI ने एक बार सभी को चौंकाते हुए सभी युवा खिलाड़ियों के लिए मौका दिया गया है, जो साउथ अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 20T सीरीज में खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वहीं एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव को दे दी गई है, क्योंकि इस समय हार्दिक पांड्या अभी चोट के कारण बाहर चल रहे हैं, इसलिए अब सूर्य कुमार यादव के लिए वर्ल्ड कप से पहले यह शानदार मौका होगा कि वह इस सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप से पहले अपनी कप्तानी की दावेदारी पेश कर दें, क्योंकि भारतीय टीम में अभी T20 का कोई स्थायी कप्तान नहीं है, लेकिन BCCI सूत्रों के मुताबिक वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के लिए यह आखिरी मौका होगा कि वह इस सीरीज में अच्छा जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं इस सीरीज का आरंभ 11 जनवरी से होने जा रहा है, जहां पर पहला महामुकाबला मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा T20 महामुकाबला 14 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। तो वहीं आखिरी और निर्णायक T20 मैच दोनों टीमों के बीच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो वहीं इसके लिए BCCI ने भारत के 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा जैसे धाकड़ युवा खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से वर्ल्ड कप से पहले खेलने का मौका दिया गया है, क्योंकि टीम इंडिया की यह वर्ल्ड कप से पहले आखिरी इंटरनेशनल T20 सीरीज होगी, इसके बाद टीम इंडिया डायरेक्ट ही वर्ल्ड कप खेलने वाली है, इसलिए इन सभी युवा खिलाड़ियों के पास यह आखिरी मौका होगा कि वह वर्ल्ड कप से पहले अच्छा प्रदर्शन करें और भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप में खेलने की अपनी दावेदारी पेश करें। तो भाई BCCI ने इन 15 सदस्यीय स्क्वाड को अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज में शामिल किया गया है, जहां पर पहले खिलाड़ी के रूप में इस टीम में युवा ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल को एक बार फिर से खेलने का मौका दिया गया है, क्योंकि सुमन गिल ने अभी तक T20 क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिस तरह से वह इस समय शानदार फॉर्म में चल रहा है, इसलिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज में और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने लंबे लंबे सिक्स एक बार फिर से सभी को दिखाएंगे। तो वहीं दूसरे खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में T20 क्रिकेट में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिस तरह से उन्होंने अभी तक T20 क्रिकेट में 2023 में भारतीय टीम के लिए प्रदर्शन किया है, उम्मीद है कि वह इस सीरीज में अपना वही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से इस सीरीज में श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका मिला है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, इसी का इनाम उन्हें मिला है कि वो नहीं भारत में खेली जाने वाली अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने का मौका दिया गया। आप देखना होगा कि वह ODI क्रिकेट का फॉर्म अगर T20 क्रिकेट में जारी रखते हैं तो भारतीय टीम के लिए शानदार बात होगी। तो वहीं चौथे खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए टीम के कप्तान खुद सूर्य कुमार यादव के लिए शामिल किया गया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव लगातार हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया के T20 के कप्तान बनाए गए और वह बल्ले से भी लगातार जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले ही साउथ अफ्रीका के दौरे पर शानदार शतकीय पारी खेलकर उन्होंने रोहित शर्मा के 4 शतकों की बराबरी कर ली, अब देखना होगा कि वह इस सीरीज में और कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं पांचवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए टीम में एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक वर्मा को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि तिलक वर्मा ने अभी तक भारतीय टीम के लिए T20 क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन किया, हालांकि उन्हें वनडे क्रिकेट खेलने का भी मौका मिला है, लेकिन वह
वनडे क्रिकेट में ज़्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। तो वहीं छठवें खिलाड़ी के रूप में टीम में एक बार फिर से ऋतुराज गायकवाड़ को लिए इस सीरीज में शामिल किया गया है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 तथा वनडे सीरीज में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके पास यह आखिरी मौका होगा। तो वहीं सातवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज में एक बार फिर से विकेट कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा के लिए शामिल किया गया है, क्योंकि जीतेश शर्मा ने अभी तक T20 क्रिकेट में जब से भारतीय टीम में डेब्यू किया तब से वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए उनके भी पास यह आखिरी मौका होगा कि वह अच्छा प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप में अपनी धमाकेदार दावेदारी पेश कर दें। तो वहीं आठवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार फिर से ईशांत किशन को मौका दिया गया है, क्योंकि ईशांत किशन काफ़ी समय से भारतीय टीम से T20 क्रिकेट में जुड़े रहे हैं। हालांकि उन्हें उतने मौके नहीं मिल पा रहे हैं जितने उन्हें दिए जाने चाहिए, लेकिन उनके पास यह शानदार मौका होगा कि इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप में एक अपनी मजबूत दावेदारी पेश करें। तो भाई आठवें खिलाड़ी के रूप में इस सीरीज के लिए एक बार T20 क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि रिंकू सिंह ने जब से T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से वह लगातार बेहद ही प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने पिछली दोनों सीरीज में लगातार अपने बल्ले से जोहर दिखाया, इसलिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज में और भी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं नौवें खिलाड़ी के रूप में ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल के लिए इस सीरीज में एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि अक्षर पटेल के लिए शानदार मौका होगा कि वह इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो भाई एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी दसवें खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अभी तक T20 क्रिकेट में बेहद ही शानदार और किफ़ायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप में भी लगातार धमाकेदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो वहीं बारहवीं खिलाड़ी स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई एक बार फिर से T20 सीरीज में खेलने का मौका दिया गया है, क्योंकि रवि बिश्नोई का 2023 में T20 क्रिकेट में शानदार जलवा रहा है, जहां पर उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। तो वहीं 13वें खिलाड़ी के रूम में टीम में एक बार फिर से तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस सीरीज के लिए शामिल किया गया, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने T20 क्रिकेट में 2023 में एक अलग ही पहचान बनाई थी, इसलिए उम्मीद है कि वह इस सीरीज में और भी जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं 14 और 15वें नंबर के लिए इस सीरीज में दो तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आवेश खान के लिए इस सीरीज में खेलने का मौका दिया गया है, क्योंकि आवेश खान और मुकेश कुमार ने इस समय लगातार T20 तथा ODI क्रिकेट में एक अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद जताई जा रही कि वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और दोनों ही अपनी वर्ल्ड कप में एक दावेदारी मजबूत से पेश करेंगे। तो BCCI ने इन्हीं 15 खिलाड़ियों के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए चुन लिया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें और किस खिलाड़ी को शामिल या बाहर करना चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके ज़रूरी बता सकते हैं।